नमस्कार दोस्तों, गुड मॉर्निंग, और एक बार फिर से आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल जैविक वाटिका में। और आज की वीडियो की शुरुआत हम कर रहे हैं ये सुंदर से जरबेरा के फूल के साथ। रेड कलर का ये फूल है और इधर एक और खिलने वाला है येलो कलर। नया साल आने वाला है और अक्सर हम लोग नए साल पर कहीं घूमने की तैयारी करते हैं और घूमने जाते हैं, तो मैं आपको कुछ ऐसे पौधों से मिलवाना चाहता हूं जो आप अगर नए साल पर कहीं घूमने जा रहे हैं तो वहां से आप फ्री में आप लेकर आ सकते हैं। वो कैसे, वो आगे वीडियो में जाना है। जो ट्रिप है आपका यादगार बनने वाला है, वो कैसे बनेगा कि आप अगर कहीं से कुछ सामान लेकर आते हैं तो उसको रखते हैं अपने पास, तो वो यादगार बनता है। ये वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर नए, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि पहले तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आने वाली जो वीडियोज हैं उनकी नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो आइए शुरू करते हैं वीडियो और मैं आपको दिखाता हूँ वो कौन कौन से प्लांट हैं। सबसे पहले मैं बात करूँगा, आपके पास गार्डन नहीं है तो आप कहीं घूमने जाते हैं और आपको लगता है इस तरह का ये प्लांट आपको दिख जाए कहीं। ये देखिए, ये स्नेक प्लांट है और सेंसिवेरिया इसको बोलते हैं। ये इसके बहुत सारे फ़ायदे हैं, अगर आप इसको लगाते हैं तो ये एयर को प्यूरीफाई करता है और बाकी दिखने में भी सुंदर होता है। इसमें कई तरह से अलग वेरिएशन आते हैं, वेरीगेटेड भी होते हैं, तो आप अगर कहीं घूमने जाते हैं तो ये वाला पौधा वहाँ से ला सकते हैं। इसका लीफ भी अगर आप वहाँ से ले आएंगे, पत्ती भी इस तरह की तोड़ कर ले आएंगे तो भी आप पौधा बना लेंगे। बनाना मतलब इतना हार्ड नहीं होता है, इसको आप अगर पत्ती भी ला के लगा देंगे तो वो भी इसकी चल जाती है। और इस तरह से अगर वहाँ पे कुछ दिखे आपको ये बराबर से निकला हुआ है तो ये भी तोड़ कर ला सकते हैं, इससे भी आपका पौधा बन जाएगा। दूसरे नंबर पर स्पाइडर प्लांट है और स्पाइडर प्लांट बहुत खूबसूरत होता है दिखने में। इसकी पत्तियाँ जो हैं आप देख भी रहे होंगे कितनी अच्छी लगती हैं, तो स्पाइडर प्लांट भी आप वहाँ से ला सकते हैं। स्पाइडर प्लांट में इस तरह से अलग से एक शूट्स निकली रहती है और इसमें ये देखिए ये बेबी प्लांट होते हैं, तो इस तरह से ये बेबी प्लांट्स को आप वहाँ से ला सकते हैं और लगा सकते हैं। फ्री में ही आपको ये पौधा मुफ्त में मिल जाएगा और एक टूर भी आपका यादगार बन जाएगा। अब इधर कुछ पौधे और हैं, जैसे ये वंडरिंग जू का आप पौधा देख रहे हैं। हालांकि ये जो क्वालिटी है ये अलग है थोड़ी सी, नया इसका पैटर्न है। एक वंडरिंग जो आता है, पुराना भी, जो आपको हर जगह मिल जाएगा, कहीं भी किसी भी गार्डन में जाओगे आपको बहुत पूरी मात्रा में फैला हुआ मिलेगा, तो ये आप ला सकते हैं। और इसकी ये इस तरह से भी अगर आप टहनी भी तोड़ कर ले आएंगे और इसको भी लगा देंगे तो ये भी चल जाती है। तो ये वंडरिंग जो है और बहुत खूबसूरत लगता है, हैंगिंग बास्केट में बड़ा ही प्यारा लगता है, इसकी जो चल जाती हैं शाखाएँ। उसके बाद ये गुडलक प्लांट है, जेड प्लांट, ये भी अगर आप कहीं जा रहे हो तो वहाँ से इसकी एक टहनी अगर ले आएंगे आप तो उससे भी आपका पौधा चल पड़ेगा। और ये के साथ में दिखाता हूँ मैं, ये मदर ऑफ थाउजेंड्स हैं, ये जो लीव्स होती हैं उससे भी ये आपका पौधा चल जाता है। और साइड में आप देख भी रहोगे ये जो छोटे छोटे हैं ये बेबीज़ हैं, इस तरह से बेबीज अगर आप ले आएंगे तो आपका पौधा बन जाएगा। और ये पौधा बहुत अच्छा होता है, बहुत डेकोरेटिव होता है, सेगुलेंट्स वैरायटी में आता है, तो ये गार्डन में अच्छा भी लगता है। और फिर इधर आती है ये देखिए, ये स्वीट पोटैटो वाइन है और ये ग्रीनरी काफ़ी ऐड करती है हमारे गार्डन में और बड़ी सुंदर भी लगती है। ये अगर कोई ब्रांचेज आप कहीं से कट करके भी लाते हैं इस तरह से, यहाँ से अगर जैसे ये ब्रांच है ये कट करके अगर आप ले आएंगे और इसको लगा देंगे लाके, तो उससे भी आपका पौधा बन जाएगा और आपके गार्डन को हरा भरा कर देगा। बाकी इधर आप आएंगे तो पर्पल हार्ट है ये, और पर्पल हार्ट जो होता है वो भी इसी तरह से आप टहनी से इसको ग्रो कर सकते हैं और ये हर जगह आपको मिल जाता है किसी भी गार्डन में आराम से। और इसका फ्लावर आप देख ही रहे होंगे कितना प्यारा है, तो ये भी आप अपने गार्डन में ऐड कर सकते हैं और ये कहीं से भी आपको मिल जाएगा तो आप लेकर आ सकते हैं। बाकी कुछ मेरे पास ये फाइकस है, ये थोड़ा सा हार्ड रहता है। अगर इस तरह का फाइकस आपको लगाना हो तो किसी भी जैसे कहीं गार्डन में गए तो वहाँ से टहनी लाकर आप इसकी लगा सकते हैं, ये वेरीगेटेड वाला फाइकस है। बाकी कनेर है,
कनेर आप इसकी टहनी कहीं से तोड़कर लाएंगे वो लगा लीजिए, मैंने भी ऐसे लगाया हुआ है और ये इनकी ग्रोथ नए प्लांट इनके बन गए हैं, ये देखिए। बाकी इधर मेरे पास ना कुछ सैकुलेंट्स हैं और उसमें हावर्ती है, ये एक वैरायटी है, इसमें साइड में देखिए बेबीज निकले हुए हैं। तो इस तरह से अगर जैसे कहीं नर्सरी में गए या फिर कहीं गार्डन में गए वहाँ पे आपको कोई सैकुलेंट्स मिल जाते हैं तो साइड से उनके बेबीज आप पिक करके, ये देखिए ये बेबीज हैं और इनके पिक करके ला सकते हैं और आप एक नया पौधा तैयार कर सकते हैं। बाकी ये एक कॉलियस है, देखिए कॉलियस भी ग्रो हो जाता है आसानी से और ये अगर इसकी आप एक छोटी सी ब्रांच भी लाकर लगाएंगे तो वो भी आसानी से ही ग्रो हो जाती है, इसमें कोई ज़्यादा हार्ड एंड फास्ट नहीं होता और इसके जो कलर होते हैं वो बड़े प्यारे प्यारे कलर होते हैं। तो ये भी किसी भी नॉर्मली पार्क वगैरह में मिल जाते हैं तो वहाँ से भी आप इसको पिक करके अगर लाएंगे तो आसानी से ही आपका पौधा बन जाएगा। और साथ में मैं कुछ आपको सैकुलेंट्स दिखा रहा हूँ। सैकुलेंट्स क्या होता है कि ये लीफ जो पत्तियाँ होती हैं इनकी आसानी से ग्रो हो जाते हैं और इनकी पत्तियाँ अगर आप कहीं गार्डन से या कहीं उससे लेकर आएंगे तो इस तरह से देखिए, ये लक्ष्मी कमल है और इसकी एक लीफ हमने इसमें डाली थी और ये पौधा बन गया। तो इस तरह से अगर कहीं से आप लीफ मिल जाती है इनकी तो आप वो लेकर आ सकते हैं। और अगर कुछ कैक्टस की बात करें तो साइड में देखिए बेबीज इसमें निकला हुआ है ना, तो इस तरह से ये बेबीज भी अगर आप लाएंगे तो इनको भी आप लगा सकते हैं। ये हमने ऐसे ही मतलब कहीं जाते हैं घूमने, किसी नर्सरी में चले जाते हैं वहाँ से लीव्स ले आते हैं या फिर किसी गार्डन में चले जाते हैं। जैसे मैं अगर इसकी बताऊँ आपको तो ये एक मतलब घास टाइप ही है और बड़ा सुंदर लगता है ये। हम घूमने गए विद लेंस टाउन तो वहाँ से हम इसको लेकर आए थे और ये हमने इतना लेकर आए थे ज़रा सा ही और अब ये और भी जगह लगाया हुआ हमने, मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखिए ये लगभग 2 साल हो गए हम गए थे वहाँ पर और ये इतना बड़ा हो गया अभी ये, और बड़ा खूबसूरत लगता है ये। नाम मुझे नहीं पता, कमेंट करके बताना क्या नाम है इसका, बट ये लगता बहुत ही अच्छा है। तो हमारी जो ट्रिप है वो मेमोरेबल बन गई है क्योंकि हमेशा हम जब इसको अपने गार्डन में देखते हैं तो हमें याद आती है कि हम घूमने गए थे वहाँ पर। तो इस तरह से आप भी कुछ कलेक्ट करके कहीं से लाएंगे तो वो मेमोरेबल ही रहता है। बाकी ये पर्पल नहीं सॉरी ये टर्टल वाइन है, ये भी आप अगर कहीं आपको दिखती है किसी पार्क वगैरह में कहीं पर भी तो वहाँ से आप इसको लेकर आ सकते हैं। ये क्या है कि अगर इस तरह से आप ब्रांचेज भी इसकी ले आएंगे और वो ला के लगा देंगे तो वो भी इसकी आसानी से हो जाती हैं। और ये अभी तो सर्दियाँ हैं, गर्मियों में बहुत ही अच्छी होती है हैंगिंग में और बड़ी प्यारी लगती है। बाकी जैसे ये देखिए ये मनी प्लांट की बेल है और मनी प्लांट कितना प्यारा भी लगता है और हम लगाना भी पसंद करते हैं अपने घर में। तो अगर मनी प्लांट भी आप लाना चाहते हैं तो उसकी कोई भी एक ब्रांच आप लेकर आइए कहीं भी अगर आप घूमने गए हों। जैसे अभी मैं बात ही कर रहा हूँ कि न्यू ईयर पे घूमने जाते हैं सभी लगभग अपने आसपास, ज़्यादा दूर नहीं जाते सभी आसपास तो जाते ही हैं, तो इस तरह से ये भी आप ला सकते हैं। तो ये सारे पौधे थे जो मैंने आपको बताए अभी और ये जितने भी पौधे हैं ये किसी टहनी से लग जाएंगे या फिर लीव्स से लग जाएंगे, पत्ती से या फिर इनके ब्रांच लग जाएंगे या फिर इनके छोटे छोटे बेबी जिनमें होते हैं वो लग जाएंगे। तो ये सारे ऐसे हैं कि किसी भी पार्क में आप जाओगे तो वहाँ आराम से मिल जाते हैं और अपने गार्डन को आप तैयार कर सकते हैं, नया गार्डन आपका फ्री में ही बिल्कुल मुफ्त में आपका गार्डन बन जाएगा। तो आज की मेरी वीडियो यही थी कि अपनी ट्रिप को यादगार बनाएं और कुछ ना कुछ लेकर आएँ और अपने गार्डन को तैयार करें, हरा भरा बनाएं। और दूसरी चीज़ ये कि अभी आने वाले जो समय है उसमें थोड़ा कोरोना का नई वेरिएंट आ गया है तो सतर्क भी रहें, अगर अवॉइड कर सकते हैं अवॉइड करें घूमने, अगर जाना ही है तो पूरी सावधानी से जाएं, मास्क वगैरह लेके जाएं और अपना पूरा ख्याल रखें। तो इसी के साथ ये वीडियो को मैं यहीं पर समाप्त करता हूँ, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।